अचानक तेज आंधी तूफान आने की वजह से सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ में एक घर का छत उड़ गया। घटना के वक्त घर के सभी लोग घर में ही मौजूद रहे। हादसे में किसी को चोट नहीं आई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मुख्य सचिव ने मंत्रालय में 50% उपस्थिति का मापदंड तय कर दिया है। वहीं अवर सचिव के ऊपर के अधिकारियों को रोज कार्यालय आना होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर 50% से ज्यादा कर्मचारियों को भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के मोकिमपुर गांव में ग्रामीणों ने सोना लूटकर भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को पीट पीट कर मार डाला। वहीं दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। सोना लूटकर भाग रहे तीन अपराधियों में से एक मौके से फरार है। पटना के मसौड़ी में एक विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम के मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी के समझाने पर लोगों ने जाम हटाया। बोकारो में एक रेलकर्मी का शव कूलिंग पॉन्ड से मिला। रेलकर्मी मंजीत कुमार शुक्रवार की सुबह टहलने निकले थे, जिसके बाद से गायब थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बक्सर रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। दूसरे प्रदेश से बिहार पहुंचे लगभग 200 रेल यात्री स्टेशन से बगैर कोविड जांच कराए भाग निकले। इसकी सूचना मिलने पर डीएम और एसपी ने स्टेशन पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हालत खराब कर देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का निधन हो गया। गुमला के चैनपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली। मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक के पास एक जमीन को कब्जा करने पहुंचे भूमाफियाओं ने जमीन मालिक से जबरन जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया। एसपी से शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।